खबर रुद्रपुर से है और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर युवक और पेट्रोल पंप सेल्समैन में हाथापाई हुई विवाद पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार तीन युवकों ने 20 रुपए का पेट्रोल भरवाया और वहां मौजूद सेल्समैन को 200 रुपए का फटा हुआ नोट पकड़ा दिया। नोट फटा होने की बात कहते हुए सेल्समैन ने दूसरा नोट देने के लिए कहा। इसके बाद युवक सेल्समैन से 50 रुपए का पेट्रोल और डलवाने के लिए कहने लगे। इसी दौरान तीन युवकों और पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन में कहासुनी हो गई। बाइक सवार युवक छोटी छोटी बातों पर तैश में आ गए और सेल्समैन की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। वहीं आरोपी युवक घटना के बाद से फरार हो गए थे। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। इसमें तहरीर अभी प्राप्त होनी शेष है। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ विवाद किया गया और उस विवाद के बाद उन्होंने बताया कि इन्होंने हम पे पिस्टल ताना, तो इसके संबंध में जैसी तहरीर आती है हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे और उसमें जो अपराधी हैं, जो लोग इसमें आरोपी हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है ऑलरेडी और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जैसी तहरीर आती है इसमें अग्रिम कार्रवाई।